स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यू हेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल पे से जो है एप्लीकेशन से जो है अपनी बिजली का बिल कैसे चेक करें। तो दोस्तों अगर आप भी जो है गूगल पे एप्लीकेशन को चलाते हैं तो दोस्तों आप जो है अपनी बिजली का बिल चेक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है अपने गूगल पे एप्लीकेशन से जो है अपनी बिजली का बिल देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आप जो है गूगल पे नहीं चलाते हैं, इसको यूज़ नहीं करते हैं तो दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जो है इसमें अपना एक बैंक ऐड करना होगा। बैंक ऐड करने के बाद दोस्तों जो है आप अपनी बिजली का बिल जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो गूगल पे एप्लीकेशन है बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। इससे दोस्तों आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और बैंक में जो है ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो यहाँ से आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को जो है आप जैसे ही मतलब डाउनलोड कर लेते हैं इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद में आपके सामने जो है इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों आप जो है इसे ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिलता है नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पेमेंट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको मोबाइल पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने जो है इस प्रकार का यहाँ पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है DTH केबल इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो है आपके स्टेट के सभी मतलब आप भारत के जितने भी स्टेट हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप जिस भी स्टेट से जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं या न्यू दिल्ली, नोएडा, नॉर्थ स्टेट, उत्तर प्रदेश कहीं से भी हैं तो आपको यहाँ पर वो सभी स्टेट मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर रूरल, उत्तर प्रदेश पावर अर्बन। यहाँ पर रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र और यहाँ पर अर्बन का मतलब होता है नगरीय क्षेत्र। तो अगर आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन पर क्लिक करना होगा और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर रूरल पर क्लिक कर देता हूँ उत्तर प्रदेश। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने जो है इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो है ऊपर ऑप्शन आपको मिल जाता है अकाउंट नंबर का, और यहाँ पे आपको अकाउंट नेम का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप अपना नाम डाल भी सकते हैं और इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ऊपर अपनी अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे कंज्यूमर आईडी नंबर होता है दोस्तों, आपको कहाँ से मिलेगा ये, आपने जो है कभी पहले बिजली बिल अपना जमा किया होगा तो दोस्तों आपको जो है एक बिजली एक स्लिप मिली होगी, तो आपने उसका जो है बिजली बिल पर्चा होगा उसमें आपको आपके कंज्यूमर आईडी का नंबर मिल जाएगा, वो नंबर आपको नोट करके यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जो है कंज्यूमर आईडी नंबर है यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कंज्यूमर आईडी नंबर डाल दिया है। इसके बाद में दोस्तों इस पर आपको यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नीचे एक आइकन मिलता है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों अकाउंट होल्डर का नाम दिया होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम आ जाता है और यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया होता है और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यहाँ पे रूरल 1073 यहाँ पे ये दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है नीचे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पर मतलब शो हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा टोटल बिल जो है 4658 रुपये है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपनी बिजली का बिल चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपनी बिजली का बिल निकाल चुका हूँ। अगर दोस्तों आप इसको जो है बिल को पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है पे का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप इसको जो है गूगल पे के थ्रू जो है इसको आप पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके बैंक में जो है पैसे हैं तो आप सीधे इसको जो है पे कर सकते हैं। पे करने के बाद दोस्तों आपको एक जो है एक इसका स्लिप मिल जाएगी, तो आपको जो है यहाँ से पे करने में आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।